इस तरह के VFX वीडियो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलो ओपन करते हैं CapCut ऐप। पहले अपने वीडियो को इस तरह से शूटिंग कर लें। एक पीछे का बैकग्राउंड वीडियो में जरूर लेना। जो वीडियो आपने शूट किया है वो CapCut में ऐड कर लें। एक स्पेशल ग्रीन फोटो डाउनलोड होनी चाहिए, वो ग्रीन फोटो को इस वीडियो में ऐड कर लें। अपने डंडे के समान ग्रीन फोटो को रख लें। इस ग्रीन फोटो को अपने लास्ट वीडियो तक रख लें। ऊपर दिए गए प्लस को आइकन को दबाकर जैसे जैसे अपने डंडों को ऊपर की तरह ले जाएंगे, उसी तरह अपने ग्रीन फोटो को उस डंडे के समान ऊपर की ओर करते जाएंगे। तो इसी तरह आप कर लेना है जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। वीडियो में जो फालतू हिस्सा उसे हटा लेना है। इसके बाद अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लें। न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर जो अपने वीडियो का बैकग्राउंड है वो CapCut ऐप में ऐड कर लें जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। इस बैकग्राउंड के ऊपर आप उस वीडियो को ऐड करें जो अभी अभी आपने एक्सपोर्ट किया था जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इस वीडियो को ऑब्जर्व कर लें। जहाँ तक वीडियो वहाँ तक अपने बैकग्राउंड को रखें। उसके बाद अपने वीडियो के ग्रीन भाग को क्रोमा की के माध्यम से हटा लें जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है। उसके बाद अपने वीडियो को देखेंगे तो इस तरह का लगेगा जैसा कि इस वीडियो में लग रहा है। इसके बाद आपको उस फोटो को ऐड करना है जो आपको ऐड करना हो। जैसे कि हमको गणेश जी का ऐड करना है तो हम गणेश जी के फोटो को ऐड कर लेंगे। जो फोटो आपने ऐड कर लिया है उस फोटो को अपने वीडियो के लास्ट तक रख लें जैसा कि इस वीडियो में किया गया। उसके बाद जो आपने फोटो लिया है उस फोटो पर क्लिक करके लेयर पर जाकर वन लेयर में कर दें। उसके बाद आप अपने वीडियो को देखेंगे शुरू से तो आपका वीडियो इस तरह से लगेगा जिस तरह से इस वीडियो में दिखाया गया है। उसी तरह से आपका वीडियो बना होगा जैसे कि आपने देखा होगा।
आपका गणेश जी बनने वाला वीडियो तैयार हो गया। तो आपको कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें।